नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार को मिली सड़कों की सौगात। बिहार में तेल भंडारण मिलने के संकेत। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का मिला लाइसेंस। जीविका दीदियों ने शहद सप्लाई में बनाया रिकॉर्ड। मनरेगा में शामिल हुई बाढ़ और सिंचाई की छोटी परियोजनाएं। अब रोज होगी सरकारी योजनाओं की निगरानी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को मिली सड़कों की सौगात। बिहार के लिए मंगलवार का दिन बेहद ही मंगल रहा, क्योंकि बीते दिन ही बिहार को सड़क और पुल की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की मौजूदगी में एक साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया, जिसके तहत ही अब दो दशक के बाद गांधी सेतु के दोनों लेनों को वाहनों के लिए फिर से चालू कर दिया गया है। करीब 13,885 करोड़ रुपए की लागत से 15 सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी मंत्री के द्वारा किया गया। छपरा से गोपालगंज तक दो लेन सड़क परियोजना का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा जिन सड़कों का लोकार्पण किया गया है उसमें मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी चार लेन नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी NH उमागांव से भेजा तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना, गोपालगंज शहर में चार लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया है। बिहार में तेल भंडार मिलने के संकेत। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का मिला लाइसेंस। बिहार में जहां कुछ दिनों पहले सोने का खदान मिलने की चर्चा हो रही थी, तो अब वहीं दूसरे इलाके में तेल भंडार होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। जानकार मान रहे हैं कि बिहार में अच्छे दिन आने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बक्सर और समस्तीपुर जिले में तेल के बड़े भंडार होने का पता चला है। ONCG की माने तो समस्तीपुर जिले की 308 किलोमीटर और बक्सर की 52.13 वर्ग क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ मिलने के संकेत मिले हैं। अहम बात यह है कि तेल की खोज के लिए बिहार सरकार के ONCG को स्वीकृति दे दी गई है। इसको लेकर भारत सरकार ने भी एक प्रस्ताव भेजा है। JP गंगा पथ का लोकार्पण होगा अगले सप्ताह। बिहार में JP गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अगले सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक लगभग 5.4 किलोमीटर की लंबाई से इसका लोकार्पण लगभग पूरा हो चुका है। अंतिम चरण का काम जोर शोर से चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो 13 या 14 जून को इसका लोकार्पण होने के साथ ही इस पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके बाद शहरवासी सिर्फ 5 मिनट में दीघा से गांधी मैदान तक का सफर पूरा कर सकेंगे, यानी कि अब पूर्वी पटना से होकर एम्स पहुंचना आसान होगा। अनिसाबाद से एम्स तक करीब 7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क बनेगी। इसके लिए DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार के नालंदा खुला विश्वविद्यालय में महंगी होने वाली है पढ़ाई। बिहार के नालंदा खुला विश्वविद्यालय में अब पढ़ाई महंगी होने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नए सत्र की फीस बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर हाल ही में कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उक्त प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें ही अब बढ़ती हुई महंगाई और काफी दिनों से फीस बढ़ाने का काम भी नहीं हुआ था, जिसके बाद ही काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर ही चर्चा अब की गई है। सबसे बड़ी बात, नए सत्र के नामांकन के पहले सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। 5 जुलाई से NOU में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा ने बताया कि फीस में आंशिक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव आया है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। BPSC पेपर लीक मामले में दिल्ली से 3 और लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार में हाल ही में BPSC की 67वीं परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया था। आर्थिक अपराध इकाई ने दिल्ली से 3 और लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है, जिसके बाद ही इन्हें 30,000 कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाने का काम किया जा रहा है। यहां उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड पिंटू यादव अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले की जाँच आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम कर रही है। इस क्रम में कुछ अभियुक्तों के दिल्ली में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टीम एक सप्ताह में से दिल्ली में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बेहटा पटना ने निकाली रिक्तियां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बेहटा पटना ने मेडिकल टीचिंग फैकल्टी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट, सुपर स्पेशलिस्ट, एडजंक्ट फैकल्टी के कुल मिलाकर 31 पद पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, PMR, TB एंड चेस्ट, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऑर्थोपीडियाक्स,
एनाटॉमी, ऑब्स्ट्रियाटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, हेमाटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रासंगिक विषय में MBBS, MD, MS, DNB, DM, MCH, PG डिप्लोमा और नौकरी के संबंधित क्षेत्र में 5 से 8 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू तारीख 10 जून 2022 को जा सकते हैं। हालांकि इन पदों की विस्तृत जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी चेक कर सकते हैं। बिहार में यहां भी है पर्यटन की अपार संभावनाएं। बिहार के कटिहार समेत पूरे सीमांचल में पर्यटन की काफी ज्यादा संभावनाएं मौजूद है और इसको लेकर 23 जून को विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाना है। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक दिवसीय कटिहार दौरे के दौरान दी है। इस दौरान ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि कटिहार के गांधीनगर, आजम नगर के गोरखनाथ धाम समेत कई पर्यटक स्थलों के विकास पर मंथन होगा। आगामी 23 जून को पर्यटन विकास विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके बाद इस दिशा में प्रगति होगी। सहरसा के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सहरसा जिला में महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान। ये प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बायां नेत्र यहां गिरा था। यह स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। यहीं उद्भट विद्वान मंडन मिश्र का जन्म हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती से जगतगुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण सन 1735 में रानी पद्मावती ने कराया था। यहां बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बंगाल के साधक भी यहां साल भर पहुंचते रहते हैं। जीविका दीदियों ने शहद सप्लाई में बनाया रिकॉर्ड। जीविका दीदियों ने अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वहीं अब फिर से जीविका दीदियों ने मधुग्राम कंपनी बनाकर 130 मीट्रिक टन शहद डाबर कंपनी को सप्लाई करने का काम किया है। अब तक 437 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया है। अब बाकी शहद जीविका के पोर्टल से बेचने का काम हो रहा है। जीविका की तरफ से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेने के बाद जीविका की 7455 महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होने वाली है। इसमें ही सीधे बाजार से जुड़ने से महिलाओं को अधिक फायदा हो रहा है। इतना ही नहीं, अब सीधे आमदनी हो रही है। जीविका और राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से बिहार में जीविका दीदियों द्वारा मधुमक्खी पालन का काम किया जा रहा है। रफ्तार हुई तेज तो देना होगा जुर्माना। बिहार की राजधानी पटना के अटल पथ और जेपी सेतु पुल पर अब तक आपने गाड़ियों की रफ्तार देखी होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तेज गति से वाहन चलाने वालों का चालान कटेगा। पथ निर्माण विभाग ने हाल ही में हुई घटनाओं के बाद ये निर्णय लिया है। इसको लेकर हाल ही में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी अधिकारियों को सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दे दिए हैं। इनका पालन तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब वाहनों की स्पीड जांचने के लिए उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके बाद ही लोगों का चालान भी काटा जाएगा। बिहार में नहीं हुआ बुलेट ट्रेन के रूट का रास्ता क्लियर। दिल्ली से हावड़ा का रूट भारतीय रेल का सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है, जिस पर ही अब बुलेट ट्रेन चलाने की योजना हो रही है। वहीं यह रास्ता बिहार से भी गुजरता है। ऐसे में बिहार वासियों को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। लेकिन इन सब में परेशानी वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन का रूट लगभग क्लियर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ये रूट आगरा, लखनऊ और कानपुर होकर वाराणसी पहुंचेगा। इसी तरह झारखंड में बुलेट ट्रेन का धनबाद से गुजरना तय माना जा रहा है, लेकिन बिहार में ट्रेन के रूट को लेकर संशय बरकरार है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के गया या पटना के रास्ते गुजरने का दावा किया जाता रहा है। बिहार के कई जिले में तेज तो कई जिलों में सामान्य बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों बेहद ही तल्ख है। कहीं बारिश का असर है तो कहीं पर तपती धूप है। एक तरफ जहां दक्षिणी बिहार के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी, उमस और तपिश के कारण लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार में बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 10 जिलों में यूपी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तरी बिहार में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है। मंगलवार को भी मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार जिले के कुछ इलाकों में मौसम में परिवर्तन देखा गया है। मनरेगा में शामिल हुई बाढ़ और सिंचाई की छोटी परियोजनाएं। बिहार में बाढ़ और सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन मनरेगा के तहत होने वाला है। खबर के अनुसार ऐसी योजनाएं अब ठेकेदारों को सौंपने का काम नहीं होगा। जल संसाधन विभाग इसको लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाने का काम कर रहा है।
हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में छोटी सिंचाई और बाढ़ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मनरेगा से कराने पर विचार किया गया। इसको लेकर मुख्य सचिव ने आगे की योजनाओं की मॉनिटरिंग और अन्य गतिविधियों के लिए विभाग ने कार्यपालक अभियंता योजना एवं मॉनिटरिंग की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय स्पेशल सेल का गठन किया है, जिसके बाद यह बाढ़ और सिंचाई की छोटी परियोजनाओं को मनरेगा से कराने पर विभाग को करोड़ों की बचत होगी। इस समय ठेकेदारों से कराने पर विभाग को अलग से भारी भरकम राशि देनी पड़ती है। जिला परिषद में खत्म हुई डीडीसी की पावर, बिहार में अब डीडीसी जिला परिषद का काम नहीं देखने वाले हैं। सरकार ने इस बाबत अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है। सरकार की तरफ से साझा किए गए फैसले के अनुसार अब जिला परिषद का काम डीडीसी के बजाय डीपीआरओ देखेंगे। अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर अब डीपीआरओ जिला परिषद में विकास योजनाओं की देखरेख करेंगे। इसको लेकर सभी डीएम और संबंधित अधिकारियों को सरकार ने पत्र जारी किया है, जिसकी जानकारी खुद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने ही मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि डीडीसी अब जिला परिषद का काम नहीं देखेंगे। जिला परिषद में अब डीपीआरओ अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे और उनकी देखरेख में विकास योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाएगा। बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को अभी नहीं मिलेगा आरक्षण। बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को अब तक 33% आरक्षण देने की बात की जा रही थी, लेकिन अफसोस अब सभी लड़कियों को आरक्षण का इंतजार करना होगा। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए तैयारी जारी है। जेईई का मेन पहला चरण 20 जून से होना है। जेईई मेन के स्कोर के आधार पर ही राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना है, लेकिन अब तक इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को आरक्षण से संबंधित कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अब रोज होगी सरकारी योजनाओं की निगरानी। बिहार के कार्य विभाग से जुड़े प्रमुख सरकारी कार्यालयों के साथ ही बिहार के कुछ अन्य विभागों में 1 जुलाई से वित्तीय लेन देन की व्यवस्था जल्द बदलने वाली है, जिसके तहत ही अब योजनाओं की निगरानी रोज होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार योजनाओं की वित्तीय निगरानी और निर्माण योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने 1 जुलाई से वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने अपने फैसले की जानकारी वैसे प्रमुख विभागों को दे दी है जहां सबसे पहले वामिस को लागू किया जाना है। इतना ही नहीं, इसमें ही पथ निर्माण भवन निर्माण विभाग के साथ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जल संसाधन लघु जल संसाधन ग्रामीण कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नगर विकास एवं आवास योजना एवं विकास विभाग सम्मिलित है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू ने उतारे प्रत्याशी। जिस बात की चर्चा हो रही थी उसका अब ऐलान हो गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने की। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि एनडीए कोटे में आई 4 में से 2 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ने वाला है। राष्ट्रीय सचिव अफाक अहमद खान और राष्ट्रीय सचिव रविंद्र प्रसाद सिंह एमएलसी चुनाव में पार्टी की तरफ से कैंडिडेट रहने वाले हैं। ज्ञात हो अफाक अहमद 2020 में राजद से पाला बदलकर जदयू में शामिल हुए थे, वहीं रविंद्र सिंह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन नामों की घोषणा भाजपा से सहमति लेने के बाद ही हुई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका हिंदी की कवित्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार साहित्य सम्मान भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ज्ञात हो अनामिका आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार है। समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में वो शामिल की जाती है। अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद अनामिका ने हिंदी कविता कोश को समृद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। गांधी सेतु के उद्घाटन के बाद बोले सीएम नीतीश और मंत्री नितिन गडकरी। कभी एशिया के सबसे लंबे पुल होने का गौरव रखने वाले पटना हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर गांधी सेतु के इतिहास में बीते दिन से एक नया अध्याय जुड़ गया, क्योंकि मंगलवार को गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन हो गया है। इसके साथ ही पुल के दोनों हिस्सों को अब लोहे और स्टील की दीवारों से मजबूत कर दिया गया है, जिसके बाद ही सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी अपनी बात भी कही, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर पहले 4 पुल बना था, अब कुल मिलाकर 17 पुल गंगा नदी पर बनने वाले हैं। 13,585 करोड़ की लागत से एनएच के 15 सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिससे लोगों को फायदा होगा। वहीं इस उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस मौके पर दावा किया गया है कि 2024 तक बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। समस्तीपुर मामले में अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिया बयान।
बिहार के समस्तीपुर जिले से रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसके तहत ही समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपनी जान ले ली थी, जिसके बाद से ही बिहार की नीतीश सरकार निशाने पर है। हालांकि सीएम नीतीश ने हाल ही में इस मामले की जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया है। वहीं बीते दिन इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी अपना बयान जारी किया, जिसके तहत बीते दिन बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि घटना दुखद है, मैं भी वहां गया था और गांव के लोगों से मुलाकात की है। फिलहाल आत्महत्या की बात कही जा रही है, लेकिन जांच के बाद ही पूरे मामले को लेकर कुछ कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल के बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पहुंचे हैं और पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी। हाल ही में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसने ही सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इसी बीच अब इस मामले को लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सीएम नीतीश के नाम पर एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बीपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने के साथ ही तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अपने पत्र में भाजपा सांसद ने कहा कि नीतीश से बहुत आशा है, उम्मीद है कि वो अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझेंगे। इस दौरान ही वरुण ने कहा कि लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचारी तत्वों की मिलीभगत से लीक हुए 67वीं के पेपर से करीब 6 लाख अभ्यर्थियों की मेहनत व्यर्थ चली गई है, इससे छात्रों का मनोबल टूटा ही है, उनका भविष्य भी अधर में है। लालू यादव के जन्मदिन से शुरू होगा बिहार झारखंड में सदस्यता पखवाड़ा अभियान। बिहार में पूर्व रेल मंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर 11 जून से राजद का सदस्यता पखवाड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 11 से 26 जून तक राजद बिहार और झारखंड में अपने सदस्यों को बढ़ाने वाला है, जिसकी जानकारी खुद बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ पलामू में कैंप कर रहे हैं। पलामू में वो पूरे झारखंड के सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण यादव ने बताया कि झारखंड में 25 लाख सदस्यों को बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी समीक्षा की जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। औरंगजेब ने 1658 में आगरे के किले पर कब्जा किया। बादशाह मुअज्जम शाह आलम ने 1707 में आगरा के समीप जजाऊ क्षेत्र में उत्तराधिकारी की लड़ाई में बादशाह आजम को हराया। आइसक्रीम के लिए व्यावसायिक तौर पर पहला विज्ञापन 1786 में बनाया गया। भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क का 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा 1948 में शुरू की। मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन 2009 में हुआ। आईसीसी की वनडे रैंकिंग आई सामने। भारत की अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 7वें स्थान पर और स्मृति मंधाना 9वें स्थान पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली शीर्ष पर है, जिनके बाद इंग्लैंड की नताली सिकवेर का नंबर है। दोनों ने न्यूजीलैंड में हुए महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी गेंदबाजों की सूची में 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज सिद्रा अमीन 19 पायदान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में 35वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 218 रन बनाए। YouTube पर अब कास्ट किए बिना सीधे टीवी पर देख सकेंगे वीडियो। YouTube ने टीवी पर व्यूइंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अपने ऐप के लिए एक नए फीचर की घोषणा कर दी है। यह नया फीचर यूजर को अपने टीवी को अपने iOS या Android स्मार्टफोन से कनेक्ट करने की अनुमति देगा, ताकि वीडियो डिवाइसेस के बीच सिंक हो सके। इससे पहले उपयोगकर्ता टीवी पर YouTube वीडियो तभी देख सकते थे जब वीडियो फोन पर मिल जाए और इसे टीवी पर डाला जा रहा हो। YouTube के अनुसार 80% से अधिक लोगों ने कहा कि वो टीवी देखते समय किसी अन्य डिजिटल डिवाइस का उपयोग करते हैं। इसी वजह से कंपनी ने यूजर के लिए इस फीचर को पेश किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है ललन कुमार, गौतम कुमार, एस कुमार सिंह, सौरभ मिश्रा, सचिन कुमार, रविशंकर, राजीव कुमार, अभिषेक गुंजन, संजय आलम, धर्मेंद्र कुमार, मोनम कुमार, बिंदु मिश्रा, अविनाश उज्जवल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के विकास में जीविका दीदियों का योगदान कितना अहम है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।